विधायक भी आ गए हैं यहाँ पे। आपके विधायक जो एक राज्य मंत्री हैं उनसे आपने बात है की कि आप मंत्री साहब हमारे यहाँ कीचड़? वन से तो हमारी कहाँ बात हो रही है, वन से बात हमारी, हमारे वन बात पर हमारी कौन ध्यान देवे, वहाँ ना हमारी बात होती ना हम उनके पास जा पहुँचे। नमस्कार, इस वक्त आप DTV देख रहे हैं और इस वक्त जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ उसे देख कर वाकई में आप भी चौंक जाएंगे। मेरे सामने जो आप देख रहे हैं तस्वीर, ये पानी जो भरा हुआ है एक तालाब नहीं है, लंबा भी आपको दिखेगा तालाब जैसा दिखेगा, शायद अगर इसमें कोई मछली भी पल रही हो तो अचंभे की कोई बात नहीं है, क्योंकि लगभग इसको मैंने यहाँ इसे 3 से 4 साल से इसे देखा है और ये लोग भी कह रहे हैं कि कम से कम 3-4 साल इसको हो भी गया है। पानी इतना भरा हुआ है कि लगभग लगभग इसमें 2 फुट पानी तो होगा ही होगा, 2 से 2.5 फुट बीच में, और ये पूरा मुख्य सड़क जो रांप है, हम आपको फिर से बताना चाहेंगे, यहाँ की विधायक जो कि राजस्थान की राज्य मंत्री हैं उन्हीं के क्षेत्र की ये समस्या है, जो कि आज हम अमरुका रांप यानी कि जो कैथवाड़ा और अमरुका के बीच में सड़क है और वहीं ये गांव है रांप और ये पंचायत रांप है और इसी पंचायत में ये जो मामला है वो बना हुआ है। इधर एक और देख लीजिए, इधर तो पानी भरा हुआ है, इधर तो आना जाना बिल्कुल बंद है, रास्ता ब्लॉक है, लेकिन ये जो रास्ता है मुख्य सड़क है इसमें भी ये हालात है कि यहाँ एक ट्रैक्टर वाला आज लेकर चल रहा था बेचारा और उसका ट्रैक्टर रुक गया, फंस गया है, कहीं ना कहीं उसको भी अब दिक्कतें और मुश्किल होगी। आप ट्रैक्टर के मालिक हैं, ट्रैक्टर आप लेके आ रहे थे, क्या नाम आपका? लक्ष्मण सिंह। कहाँ से आ रहे हैं? बयाना से। बयाना से जब आप यहाँ से ले रहे थे तो आपने क्या मतलब सोच के इधर के निकाला? सोच के निकाला कि निकल जाएगा, गड्ढा है निकल जाएगा, लेकिन इसमें गिट्टी फंसी हुई है, इसमें दलदल है और इसकी वजह से सिस्टम खराब बैठ गया, ट्रैक्टर रुक गया है। रुक गया कब से मतलब? सुबह 2-3 घंटे हो गए मेरे। 3 घंटे आपको यहाँ हो गया है? 9 बजे का फंसा हुआ। फिर अब निकालने की कोई मतलब लगा प्लान आइडिया कुछ कैसे निकालेगा? टोचन करके कोई साधन देखेंगे, टोचन की व्यवस्था करके, जब टोचन से ही निकलेगा। अब वैसे भी लोडिंग है आपके पास, तो वैसे भी चौका वगैरह लोड है तो लगता है कि निकल ही जाएगा यूं तो। पर लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि जहां देश में बड़े बड़े हाईवे होते हैं या फिर यूं कहें कि देश तरक्की की बात करता है, राज्य सरकार जो है वो भी कहीं ना कहीं विकास की बात करती है, जब इस तरह की तस्वीरें सामने आती हैं तो वाकई में उनसे बड़ी बातें सामने नहीं। देखिए ये सबसे बड़ी बात है, देखिए ये क्या कोई बड़ी बात नहीं है कि गाँव के लिए जो उसका मुख्य रास्ता था, जहाँ उसका गौरव पट लगना था, उसी रास्ते के अंदर इतना पानी भरा हुआ है, लगभग यहाँ से जहाँ तक कैमरे की मतलब जाएगी, कैमरे का लेंस जहाँ से फोकस कर पाएगा, जहाँ से उस तस्वीर को ले पाएगा, वहाँ तक सिर्फ और सिर्फ पानी दिखेगा। यहाँ से जहाँ मैं खड़ा हूँ, यहाँ से जहाँ तक मेरी नज़र जा रही है, वहाँ तक सिर्फ और सिर्फ पानी भरा हुआ है, पूरी तरह से पूरा गाँव यहाँ जो है, गाँव के लिए जो रास्ता है वो पूरा तरह से ब्लॉक है। अब यहाँ गांव के लोग हैं उनसे बातें करेंगे। क्या नाम है जी आपका? भगवान सिंह। भगवान सिंह जी इसी गांव के हैं? इसी गांव के। अच्छा, मतलब इससे समस्या मुझसे नहीं होती, पानी वानी भरा हुआ है? पानी निकाल को रास्ता ही ना है, खेती का रास्ता ना है ना। सरपंच से नहीं कहते यहाँ के विधायक, सरपंच अधिकारियों से आप बात नहीं रखते कि हमारे गांव में हमारा रास्ता नहीं है? वो करे ही ना कछु, कई साल होगी, 4-5 साल होगी करते करते। मेन रास्ता 5 साल से कह रहे हैं इस बात को, 5 साल से 5 साल से कह रहे हैं ये रास्ता, ये मेन रास्ता है हमारा और इसी की समस्या है हमको। ये देखो बीच से ये अमरुका से जो कैथवाड़ा जा रही है ये सड़क भी पूरी रोज आए दिन ट्रैक्टर फंसते है, कोई गाड़ी फंसता है, कोई रात को बेचारा परेशान रहता है, बहुत समस्या है यहाँ पे। बस ये रास्ता है कि, और ये मेन रास्ता है रांप के अंदर के लिए जाने के लिए हमें 1.5 किलोमीटर इधर से घूमना पड़ता है और 1.5 किलोमीटर इधर से घूमना पड़ता है जब हमारे कोई मेडिकल पे कोई सुविधा मिलती है जाकर, इतनी समस्या है। पानी को निकालने के लिए आप लोग मतलब जैसे नाला तो आप बना हुआ है, फिर पानी कैसे भर गया? नाली बनवा दिया, फिर आधा पर काम छोड़ दिया। हर बार आते हैं, वे भी आए हैं, कई बार तहसीलदार भी आए हैं, सभी आते हैं। यहाँ सरपंच बनाते हैं, यहाँ जब आप पंचायत के लोग चुनते हैं तो क्या ये बातें नहीं रखते हैं? रखते हैं ना, फिर वे पहले ये कहते हैं पहले हमको सरपंच बनाओ, फिर वे करेंगे, फिर बोर्ड भी दे देते हैं, सरपंच भी बन जाता है, फिर भी कोई समस्या नहीं हो। अभी कौन है आपका सरपंच, आपकी पंचायत? रुका वाले हैं जुनैद। हाँ जुनैद। तो उन लोगों से आपने उस सरपंच जी से बात की है कि सरपंच साहब हमारा यहाँ रास्ता है? यहाँ पे सब चले गए, यहाँ से सब आ गए, तहसीलदार तक आ गए, कई बड़े अधिकारी, विधायक भी आ गए हैं यहाँ पे। आपके विधायक जो एक राज्य मंत्री हैं उनसे आपने बात है की आप मंत्री साहब हमारे यहाँ कीचड़? वन से तो हमारी कहाँ बात हो रही है, वन से बात हमारी, हमारे वन बात पर हमारी कौन ध्यान देवे, वहाँ ना हमारी बात होती ना हम उनके पास जा पहुँचे। नहीं कभी आपने नहीं रखा मंत्री साहब के सामने कि मंत्री साहब यहाँ से नहीं गुजरे कभी? आपको भी दिख रहा है मेन रास्ता, तो वे भी देखते हैं, तो आते तो हैं यहाँ पे, दिखता है उनको, वो कौन आंधा थोड़ी है, उनको दिखता नहीं है ये। आप लोगों ने नहीं कहा मतलब? कहा इनका, इसको कई बार रख दिया हमने, मीडिया के सामने रख दिया, कई बार तहसीलदार रख दिया, कई जगह रख चुके हैं इसको, सब कर्मचारी देख चुके हैं इसको। बाबा क्या नाम है? मेरा नाम है सरमन कुमार। कैमरे की ओर देखिए आप। सरमन कुमार जी है सर।
ये मतलब पानी यहाँ भरा हुआ है, कोई मतलब कोई स्टे वगैरह तो नहीं लगा रखा है वैसे ही, मतलब प्रशासन पे उंगली उठा रहे हैं? सब इस पे कोई भी कुछ नहीं, स्टे नहीं, गांव के ये सरपंच वगैरह सब कोई सुनवाई नहीं करता है इस पे। ऐसा नहीं कि भाई स्टे लगा दी हो या कोई प्राइवेट जगह हो, ये तो सर PW में आया पड़ा है, कोई भी सुनवाई नहीं करता है, सब JN वगैरह सब सुन के देख के चले जाते हैं आराम से, कोई उसका वो नहीं करते हैं। जो गांव में जाते हैं तो कहां से निकलते हैं, कहां ये यहीं कर निकलते हैं साहब, रात में बड़े बूढ़े परेशान होकर गिर जाते हैं इस नाली में और परेशान होते हैं, ये सब पूरा भ्रष्टाचार है ये सब पूरा, वो अपना बाइक गाड़ी वाड़ी नहीं है गांव में, इधर तो गाड़ी नहीं जा रहा है, ट्रैक्टर वगैरह बाइक ट्रक सब चीज है साहब, यहाँ कर निकलते ही नहीं है, यहाँ कर यहाँ का नहीं, नहीं, नहीं आप लोग क्या चाहते हैं कि बनना चाहिए? ये बनना चाहिए सब, हमारे हमारी ये रोड बिल्कुल मेन रोड है साहब, ये सब काम आप ये हमारा बिलो की सब बंद है ये इधर का। अब देखिए आपके यहाँ मंत्री साहब हैं, उनसे भी बात रखी है आपने इस बात को? मंत्री साहब आता है यहाँ बोटन के टाइम पे आता है और उसके बाद में यहाँ शकल नहीं देखता है इस पूरी पंचायत का। अभी आप लोग सरपंच भी बनाए हैं 20 साल पहले, तो उन लोगों से नहीं कहा सरपंच? वो कहते हैं सब अपना आप देख के मीटिंग कर करके चले जाते हैं, अपने आराम से मस्त रहते। अभी मतलब आपने प्रशासन से या यूं कहें कि जिला प्रशासन से आपने यहाँ SDM भी तहसीलदार भी BDO साहब भी पूरा प्रशासन आ लिया, कुछ नहीं निराकरण कुछ नहीं होता है। चलिए आगे जा, कलेक्टर भी चलो जा, देखते ही कुछ सुनाई ना कर रहा हूँ। सब आ गए, सब आ गए, सब कोई सुनाई ना आए। देखिए रांप गांव की जो जनता है कहीं ना कहीं इससे बहुत परेशान है, और परेशानी उनकी सिर्फ और सिर्फ ये है कि उनका जो रास्ता है, जो गांव का मुख्य रास्ता है, उस रास्ते से आवाजावा तो है ही नहीं, कहीं आवागमन जब होगा कि जब उसमें कहीं थोड़ा भी जगह होगा कि एक 2 फुट का जगह भी ऐसा नहीं दिख रहा है कि जिसपे कि वो जा सकते हैं। जो यहाँ नाला बनाया गया है, जो पैदल जाते हैं वो लोग उससे नाले के सहारे पे जा सकते हैं, अगर थोड़ा भी किसी का पैर फिसल जाता तो या तो वो इधर गिरेगा इधर भी कीचड़, इधर गिरेगा तो इधर भी कीचड़, कहीं ना कहीं उसको एक क्या एक बच्चे की हल्के से की मौत हो गई। स्कूल पास स्कूल है, इसमें पढ़ने के लिए आ रहा और जटनी इसमें नाले में गिर पड़ा, छोटा बच्चा जटनी, उसकी डेड हो गई। अच्छा, कितने दिन पहले की बात? करीबन ना तो 1.5 साल पहले की बात। कितने उम्र का बच्चा था वो? बच्चा करीबन ना तो 7-1 साल के करीबन। देखिए बड़े दुख की बात है और बड़े श्रम की बात है, इस प्रशासन के लिए मेरा एक संदेश भी है कि आप देखिए कि जब गाँव के लोग इतने परेशान हैं तो आखिर कहाँ, जो सरकार बड़े बड़े वादे बड़े बड़े दावे कर रही है तो कहाँ ऐसे इस तरह का विकास है क्या आपका? देखिए पूरा पानी भरा हुआ है, ये तो विकास मुझे नहीं लगता। पर मेरा अगर संदेश आप लोगों तक जा रहा है, मेरी बात अगर आप लोगों तक जा रही है, तो आप मेरी बात को ध्यान में रखें, इन गाँव के लोगों की समस्या का निवारण किया जाए, इन लोगों की समस्या को सुना जाए, इन लोगों की जो रास्ते की समस्या बनी हुई है, यहाँ के पानी का निकाल बनाया जाए, जल निकासी यहाँ की तैयार की जाए, जल निकासी के साथ साथ यहाँ जो ये लोग हैं इनको जो ये रास्ता है ये मिल जाए, कम से कम ये अपने घर के लिए अपने गांव में जब एंट्री करें या कोई भी यहाँ आए तो वो कम से कम इनको अच्छा बुरा भला ना कहे, क्योंकि यहाँ से कोई भी मुख्य रास्ता भी है अगर कोई यहाँ से गुजरता है तो कहीं ना कहीं कई सवाल ये अपने आप में खड़े हो जाते हैं यहाँ के विधायक यहाँ के सरपंच और यहाँ के अधिकारियों के ऊपर कि इस तरह के यहाँ की जो हालात हैं यहाँ की बहुत ही दयनीय हालात हैं। टीवी न्यूज़ से अजय कोहली पत्रकार बात कर रहा हूँ। सर मैं आपकी पंचायत में हूँ, आप सरपंच साहब बात कर रहे हैं राप पंचायत के? हाँ जी बिल्कुल कर रहा हूँ। सर देखिए राम पंचायत का जो मुख्य रास्ता है गांव में जो प्रवेश करते हैं एंट्री करते हैं तो वो मतलब पानी भरा हुआ है, तो अच्छा। क्या वजह है सर वो जो नहीं बनता है या फिर बना नहीं है या बनाया नहीं जाता है या कोई गांव के लोगों ने स्टे वगैरह लगा रखा है, मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ। अच्छा लगा रखा है? नहीं मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि क्या वजह है कि क्यों नहीं बन रहा है सर, उसमें जो पानी भरा हुआ है, आप अभी पंचायत के सरपंच हैं ना? बिल्कुल सही बात साहब जी, यहाँ में साहब एक ऐसी समस्या आई पड़ी है, अपने पोखर में तो पानी आग ले जाना दे रहे। अच्छा कौन लोग नहीं ले जाने दे रहे? बजट हम पास करा लाए और पानी नहीं मतलब अपने जो सैनी समाज है नहीं है इनसे हमने बातचीत करी है साहब, ये कही है साहब भाई हम वापसी में पोखर में से पानी भर के आएगा हम डूब जाएंगे नो हो जाएगी। फिर हमने उनके एबीसीडी छोड़ो मैं चलो भाई ना ले जाओ तुम मत ले जाओ, फिर हमने सोची यार इसको ले जाए अपने पैकवाड़ा साइड में ही को, फिर वहाँ भी बातचीत चली तो फिर वहाँ किसी कोई दूसरो एक सरपंच पूरे नन्नू सरपंच है वहाँ की दो विश्वास जगह में दे रहा हूँ हमें ले जाओ। तो साहब हमारे दो विश्वासों हमने पूछी हमारी पूर्ति ना हुई दो विश्वासों, मैंने कहा पूरा रांप का पानी जाएगा
ना हो रही मैम ने कई वैसे और फालतू करा दो फिर वहाँ ने कई भाई और फालतू तो है ना तो भी सर मैं दे सकता हूँ फिर उससे भी नहीं हुआ तो फिर साहब हमारी अब फिर हमें चल रही है हम आधे बीघा खेत ले रहे हैं हमें 5500 मतलब दान कर रो कोई पंचायत को वहाँ में चल रही 2 दिन में 4 दिन में 5 दिन में वहाँ पे बातचीत करेंगे पंजाब कोई भंगी है नापका उसके पास हम जाएंगे 1 दिन में 2 दिन में जैसे भी करेंगे पानी जब लिकाट जाएगा साहब। अभी आप लोगों का प्रोसेस ये चल रहा है कि अभी आप यहाँ एक तालाब के लिए मतलब जगह ले रहे हैं। हाँ। अच्छा मतलब जल्दी इसमें बन जाएगा। हाँ जल्दी बहुत जल्दी और बात करो सेठ साहब से। अच्छा ठीक है क्या नाम बताया सरपंच साहब आपने जुनैद जी। हेलो बोले ठीक है सरपंच साहब धन्यवाद। हाँ जी बोलिए सर बोल रहे हैं कि रात में जो पानी भरा हुआ है उसी को लेकर हम कॉल किए हैं पत्रकार साहब बात कर रहे हैं डीटीवी से अजय कोहली बात कर रहे हैं। उसकी समाधान कर रहे हैं उसमें लगे हुए हैं। अच्छा ये तीन हाँ बोल रहे हैं कि गांव के लोग यहाँ आते हैं सरपंच भी आते हैं लेकिन ध्यान नहीं देते हैं अभी तक हम लोगों को कोई आश्वासन नहीं दिया है। नहीं नाला तो नाली तो यहाँ बना हुआ है लेकिन पानी को ही मुझे नहीं लग रहा है कि पानी को कैसे कहाँ निकालोगे आप लोग देखिए एक किलोमीटर आगे एक माली देने के लिए तैयार है पानी का टेंशन निकाल दिए हमने पर मतलब यही मिला जब मैं ध्यान मिल जाए खेत तो बढ़िया रहे नहीं तो वहाँ 1 किलोमीटर तो निकालेंगे सर। अच्छा मतलब कब तक हो जाएगा सर? जनवरी में हो जाएगा तो। चलिए बहुत अच्छा जी ठीक है सेक्रेटरी साहब एंड सरपंच साहब धन्यवाद। देखिए हमने यहाँ के जो सरपंच हैं और यहाँ के सेक्रेटरी हैं उनसे बातें की उन्होंने बताया कि लगभग हम लोग इसका प्रोसेस जारी है और जनवरी तक इसको कंप्लीट करा देंगे इसके बाद भी अगर ये नहीं होता है तो उसके बाद फिर से हम आपसे मुलाकात करेंगे और इस समस्या को फिर से उठाएंगे क्योंकि हम लोग कोशिश ही नहीं इन लोगों के साथ खड़े हैं कि इस समस्या का समाधान करवाया जाए और इस गाँव के जो लोग हैं इन लोगों के लिए जो मुख्य रास्ता भी ब्लॉक है उसको साफ करवाया जाए और वो रास्ता बनवाया जाए। तो बने रहे आप हमारे साथ लगातार देखते रहे इसी तरह की खबरें। कैमरा पर्सन जर्नलिस्ट इस्माइल मन्नान के साथ मैं आपका अपना अजय कोहली डीटीवी न्यूज़ से धन्यवाद।